नमस्कार दोस्तों, मैं मुरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस की खास खबरें। किसानों की मेहनत पर पानी फिर रहा है। खबर भवानी खेड़ा की नाज मंडी से आ रही है, वहां पानी की निकासी नहीं है। सरकार आज किसानों के हित की बड़ी बड़ी बातें करती है और खुद ही उन बातों को भूल जाती है। ऐसा ही एक उदाहरण भवानी खेड़ा नाज मंडी में देखा जा रहा है। किसान फसलों की अच्छी पैदावार व उनके अच्छे परिणामों के लिए कभी प्राकृतिक तो कभी सरकार के झूठे दावों से लड़ता आया है। ऐसा हर बार होता है, लेकिन हर बार झूठे दावों के जाल में फंसकर नाकाम साबित होता जाता है सरकार का दावा। ऐसी एक तस्वीर बनी हुई है भवानी खेड़ा अनाज मंडी की, जहां पर किसानों का गेहूं उसकी मेहनत का फल खेतों के बाद मंडियों में भी पानी में नज़र आता है। भवानी खेड़ा अनाज मंडी में एक तो जगह कम है, ऊपर से पानी की निकासी की कोई व्यवस्था तक नहीं है, जिसका खमियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जब इस समस्या को किसानों ने अधिकारियों को बताया तो वहाँ से भी कोई समाधान नहीं किया गया, यानी कि अधिकारियों ने भी समाधान नहीं निकाला। हालांकि अधिकारियों ने केवल आश्वासन दिए, किसानों ने सरकार और अधिकारियों पर समस्याओं को अनदेखा करने के आरोप लगाते हुए बताया कि आज सरकार दावे तो करती है लेकिन उनको पूरा नहीं करती। भवानी खेड़ा अनाज मंडी की हालत भी इस बात की गवाह है। अनाज मंडी में किसानों को इस समस्या से अधिकारियों को भी अवगत कराया गया था, लेकिन वहाँ भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई, बल्कि अधिकारियों ने भी कर्मचारियों की कमी बताकर लगभग अपना पल्ला झाड़ लिया। किसानों की माने तो यदि समय पर अनाज मंडी में लिफ्टिंग की सुविधा होती तो उनकी मेहनत यानी कि किसानों की मेहनत को पानी पानी होने से बचाया जा सकता था। अनाज मंडी में लिफ्टिंग की भी व्यवस्था ठप बताई जा रही है, तो वहीं अनाज मंडी में जगह की भी कमी बनी हुई है। किसानों का कहना था कि यदि सरकार कर्मचारियों पर सख्त रवैया अपनाए तो शायद उन्हें भविष्य में किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। किसान की अधिकारियों की मनमानियों के कारण ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। लिफ्टिंग की कमी है ना, तो सरसम की लिफ्टिंग हो रही, जो 5 और 4 तारीख की बीडिंग है उसकी भी इतनी सरसम ही है पड़ी है। गेहूँ की है, यह एक तो जगह लाने की कमी है और फिर ये मतलब कम से कम भी 1.5 लाख कट्टे भरे भराए पड़े हैं मंडी के अंदर। ये प्रशासन की नाकामी समझो या इसकी लिफ्टिंग के ठेकेदार की कमी समझो, प्रशासन की कमी है जी। इसमें सीवरेज सिस्टम नहीं है मंडी के अंदर, इसमें किसान भी परेशान है, आढ़ती भी परेशान है। अधिकारियों से भी कई बार मिल चुके हैं, वे लगाने की इसको बहाना टाल देते हैं कि भाई हमारे लगाने का स्टाक नहीं है। ये वेयर हाउस में सरसम भरी गई, एपड़ में सरसम भरी गई, इबिन पर ये बारदाना ये गेहूँ लगाने की जगह नहीं है प्रशासन के पास। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वह इसकी लिफ्टिंग की कार को, यही कदम है इसको मतलब लिफ्टिंग ठेकेदार को मतलब टाइट कर देना चाहिए और इसको मंडी के अंदर ये अपने सीवरेज व्यवस्था ने या पूरी तरह मतलब दुरुस्त कर देनी चाहिए।